to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an IFite. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFite. Yes, I am an IFite. Design your future. एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और उसका उद्देश्य यह है कि बूथ संख्या 466 और दोनों मशीनें पीठासीन अधिकारी द्वारा मंडी समिति स्थित जो हमारा स्ट्रांग रूम है, जो रिसेप्शन सेंटर वहाँ पे था, वहाँ जमा कराई गई। किंतु जो रिसेप्शनिस्ट था, जिन्होंने मशीन को रिसीव किया था, उनके द्वारा एक मशीन को तो स्ट्रांग रूम के अंदर रखवा दिया गया, किंतु दूसरी मशीन को डिफेक्टिव मशीन मानकर उसे डिफेक्टिव मशीनों के साथ रखवा दिया गया और बाद में वहाँ के ARO द्वारा सारी डिफेक्टिव मशीनों के साथ उस मशीन को भी, जो तहसील सदर का स्ट्रांग रूम है, यहाँ पर रखवा दिया गया। आगरा नॉर्थ जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसके दौरान EVM मशीनों की तैयारी जो की जा रही है, उस दौरान FLC जो कमीशन के जो इंजीनियर हैं ECIL के, इनके द्वारा की जा रही है, उस दौरान ये तथ्य संज्ञान में आया और ARO द्वारा इस संदर्भ में एक रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट को के आधार पर कमीशन को ये पूरा मैटर संदर्भित किया गया और माननीय आयोग द्वारा आज उसमें रिपोल कराने के आदेश प्राप्त हुए हैं। ये रिपोल परसों यानी कि 6 तारीख को 6 मई को संपन्न होगा, प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक होगा और उस बूथ में टोटल 1253 मतदाता हैं। आज हमारे सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, प्रत्याशियों के माध्यम से और साथ साथ वहाँ पे मुनादी करा के BLO के माध्यम से भी कल तक ये सूचना सभी वहाँ के जो निर्वाचक हैं उनको कर दी जाएगी। इस संबंध में जिम्मेदारी जो तय की गई है, वो जिन्होंने प्राप्त की थी EVM, जो अमीन थे मिस्टर सुनील चौहान, उनकी की गई है। उनको निलंबित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा गया है और साथ साथ जो ARO हैं उस पूरी विधानसभा के, उनके द्वारा शिथिल पर्यवेक्षण इस संदर्भ में किया गया, उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है। उनको कारण हटाओ नोटिस इशू किया गया और साथ साथ कमीशन को उनका इस विषय में संदर्भित भी किया गया जी। उनको रिसीविंग मिलती है, उनको रिसीविंग प्रॉपर है। उनके द्वारा जो काम किया जाना था, उन्होंने प्रॉपर अपना काम किया, उन्होंने सही जगह पर मशीन अपनी रिसीव कराई। रिसीविंग करने वाले की और पर्यवेक्षण अधिकारी है, उनकी गलती है। रिसीविंग करने वाले की प्राइमरी गलती है कि उनको पूछना चाहिए था कि मशीन मॉक पोल के दौरान खराब है या एक्चुअल पोल के दौरान खराब है, और केवल उसी गलती में, उसी संशय में उनके द्वारा उसको डिफेक्टिव मशीन का रख दिया गया, जिसके कारण ये। हाँ बिल्कुल, उसमें चूंकि एक्चुअल पोल के दौरान खराब हुई थी, उसमें वोट है, इसीलिए कमीशन को संदर्भित किया गया था और इसीलिए उसमें रिपोल संपन्न हुआ।